पापा मोटू मेरे बच्चे पापा पकड़ो पकड़ो अभी पकड़ता हूँ पकड़ लिया आम कोशिश करो बेटा कोशिश करो बेटा संभल कर कोशिश करो बेटा और कोशिश करो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती शाबाश ये हुई ना बात देखा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अरे मोटू क्या कर रहे हो पतलू तुम नीचे क्या कर रहे हो अरे नीचे मैं सो रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर कूद रहे हो अरे मैं सपना देख रहा था सॉरी वेरी सॉरी अरे सपना देखना है तो अपने बिस्तर पे देखो तुम मेरे ऊपर क्यों कूद रहे हो सॉरी पतलू पकड़ो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं पकड़ूंगा अरे कौन हो तुम क्या कर रहे हो अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो अरे छोड़ो मुझे छोड़ो मोटू पापा, मत ले जाओ मेरे पापा अरे छोड़ो मुझे क्या हो गया तुम्हें अरे मेरा पैर छोड़ो भूख लगी है तो खाना खाओ मेरा पैर क्यों खा रहे हो मोटू सॉरी सॉरी पतलू वेरी सॉरी क्या हुआ मोटू तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो पता नहीं पतलू आजकल रोज मेरे पिताजी सपने में आते हैं वो मुझे सपने में बुलाते हैं फिर कुछ एलियंस उन्हें पकड़ के ले जाते हैं रोज एक ही टाइप का सपना आता है आज मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है हाँ पतलू मोटू जब तुम बहुत छोटे थे तभी तुम्हारे पिताजी एक दिन अचानक गायब हो गए थे लेकिन इतने सालों बाद उनका सपना तुम्हें क्यों आ रहा है यही तो मैं सोच रहा हूँ रोज एक ही टाइप का सपना क्यों आता है इसके पीछे कोई राज तो नहीं कल सुबह डॉक्टर झटका के पास जाके पूछेंगे लेकिन तुम सुबह तक जागते रहो सोना मत अरे ये क्या बात हुई तुम्हें तो कहना चाहिए कि अब सो जाओ और तुम ये कह रहे हो कि जागते रहो सो जाओ कहूँगा तो फिर नींद में सपना देख के या तो मुझे काटोगे या मेरे ऊपर कूदोगे इसीलिए कह रहा था जागते रहो ये लो गर्मा गरम चाय पियो डॉक्टर झटका आप खामोश क्यों हैं ओ मेरे भाई मेरे यार मोटू मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं यार जिसमें तुम्हारे पिताजी तुम्हें मदद के लिए बुला रहे हैं हाँ यार मैसेज कैसे मैसेज ये रहो ये देखो ओ यार देखो मैंने ये पियानो एलियन से कांटेक्ट करने के लिए बनाया था इसे बजा के कोड वर्ड्स एलियन तक भेज सकते हैं यार इस बात का पता एलियंस को चल गया है और वो इसमें कोड वर्ड्स भेज रहे हैं यार हाँ।
ओ देखो यार देखो, फिर से उनका मैसेज आ रहा है। ये धुन मत सुनो यार, उधर मॉनिटर पे देखो, वहाँ ये धुन का कोड डिकोड होके टाइप हो रहा है यार। इसका मतलब है मोटू के पिताजी जिंदा हैं और प्लैनेट एक सर पे किसी मुसीबत में है। उड़ी बाबा, ये तो चमत्कार ही हो गया, लेकिन वो इतने साल थे कहाँ और करते क्या थे? अरे ये कोई नहीं जानता, मोटू के पिताजी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो एलियंस पे रिसर्च कर रहे थे। वो सब एलियंस को और धरती वासियों को दोस्त बनाना चाहते थे। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गए, शायद प्लैनेट एक सर के एलियंस ने उन्हें पकड़ लिया होगा। पिताजी आप कहाँ हो, मुझे आपसे मिलना है। पिताजी! अरे मोटू, ये कंप्यूटर है, तुम्हारे पिताजी नहीं है। मुझे मेरे पिताजी से मिलना है, मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। पिताजी! मोटू मेरे भाई, मेरी यारी, तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए हमें प्लैनेट एक्सर जाना होगा यारी। वो रहा प्लैनेट एक्सर। पिताजी, मैं आ रहा हूँ। पिताजी, कहाँ हो, कहाँ हो पिताजी? मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ओफो मोटू, ये सिर्फ सैटेलाइट इमेज है। शांत हो जाओ, शांत रहो, तुम उनसे जरूर मिलोगे। ये प्लैनेट एक सार जहाँ भी हो, हम तुम्हारे पिताजी को वहाँ से लेकर ही आएंगे। एक ठंडा देना। ओके, बाय। जिंदगी हो गई है तुम्हारी। ओफो, ऐसे कब तक रहोगे? अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? जार ने हमें यहाँ नीचे फेंक दिया है, ऊपर हम जा नहीं सकते, और हमारे पास उनका फेंका हुआ कचरा बिनने के अलावा और चारा ही क्या है। हे, ये जैम अच्छा है, खा के देखो। वो जैम तुम्ही को मुबारक हो। लगता है तुम लोग वो दिन भूल गए जब हम भी ऊपर टावर्स में रहते थे और हम आजाद थे। क्या दिन थे वो। हमें सब याद है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? लो खाओ, आज का लॉट बहुत टेस्टी है। ए ज़मी, हमें जल्द ही ज़ार की हुकूमत खत्म करने का तरीका सोचना होगा। गैलेक्सी का सफर कैसा रहा?
मोहन सिन्हा से मिलवाओ। मेरे भाई कैसे हो? एक बार मेरी आंखों की पट्टी खोल दो, फिर बताता हूँ कैसा हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इसलिए वादा करता हूँ तुम्हें खोल देंगे, जरूर खोल देंगे, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये सिखाना होगा कि तुम अपनी माइंड कंट्रोल मशीन से अपनी आंखें और ब्रेन कैसे कनेक्ट करते हो। इस मशीन को पहन के दूसरों की आंखों में देख के उसके माइंड को कैसे रीड कर लेते हो, तुम उनका दिमाग अपने कंट्रोल में कैसे कर लेते हो, तुम उनके सपनों में कैसे चले जाते हो। मैंने कई बार इस मशीन को पहना लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। ये सिखा दूंगा तो तुम समस्त धरतीवासी ही नहीं बल्कि सभी एलियंस को अपना गुलाम बना लोगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा मिशन था धरतीवासियों और एलियंस में दोस्ती करवाना ताकि वो सब मिलजुल कर एक साथ रह सके, और वो मिशन मैं आज नहीं तो कल पूरा करके ही रहूंगा। ये मशीन बकवास है, इनसे कुछ नहीं हो रहा। इन्हें किसी दूसरे सबसे तेज दिमाग वाले के सिर पे अटैच करके उसके दिमाग को ब्लैंक करके दिखाओ जल्दी। मैं देखना चाहता हूँ ये मशीन काम करती है या नहीं। रोबोट वन, सबसे तेज दिमाग वाले को ले जाओ और एक्सपेरिमेंट लैब में लटका दो। क्या कर रहे हो? आई से लीव मी, इट्स एन ऑर्डर, ऑर्डर। सॉरी बॉस, सबसे तेज दिमाग वाले आप ही हैं। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो वरना सबको खत्म कर दूंगा। तेज दिमाग तो आपका ही है, इसलिए रोबोट वन ने आपके दिमाग में सब अटैच कर दिया। सॉरी। मैंने मूर्खों की फौज पाली है और उन मूर्खों के सरदार तुम हो। तुम, तुम्हारे दिमाग पे ये मशीन ट्राई करता लेकिन तुम्हारा दिमाग तो पहले ही ब्लैंक है। क्यों लपाटू? आप ठीक कह रहे हैं जार, मेरा दिमाग तो पहले ही ब्लैंक है। जार, देखना, एक दिन मेरा बेटा आएगा और तुम्हारी इस पाप की दुनिया को जलाकर राख कर देगा। बेटा आएगा वो भी इतने सालों बाद। मिनी, सब इंस्ट्रूमेंट्स की पावर्स बढ़ा दो। इसके दिमाग से एक एक इंफॉर्मेशन खींच लो, इसके दिमाग को ब्लैंक कर दो। जार, मशीन्स की पावर बढ़ाने से खतरा है, उसके ऊपर लोड मत डालिए, वो सह नहीं पाएगा। नहीं सह पाएगा तो इसे समझाओ।
मुझे सब राज बता दे, वरना इसकी हालत का जिम्मेदार ये खुद होगा। तुम्हें उसके साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। सॉरी जार। मिनी देखना, मेरा बेटा जरूर आएगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मुझे आज भी याद है, वो करीब 5-6 साल का था। किसी एलियन वर्ल्ड से कोई संदेशा आया? नहीं सर, मेरे ख्याल से आपको एलियन वर्ल्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। वो लोग हमसे कभी दोस्ती नहीं करेंगे। कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैसेज भेजते रहो। मैं चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स में जितनी भी जीवित प्रजातियां हैं, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, वो धरती वासियों से मिलजुल के दोस्त की तरह रह सकें। हमें उन्हें एलियंस कहने की कोई जरूरत ना पड़े। हम सब इस यूनिवर्स में एक परिवार की तरह रह सकें। सोचो, अगर उनकी साइंस से हम इंसानों को फायदा पहुंचा सकें तो कितना भला होगा। हाँ? अरे मोटू, तुम यहाँ कैसे आ गए? ड्राइवर कहाँ है? आपने खेलने को बुलाया था, ड्राइवर नहीं आया तो मैं खुद ही चला आया। क्या, 5 किलोमीटर तुम पैदल चल कर आए, वो भी अकेले? हैं? मेरे बच्चे। धीरे बोलिए। आपकी बेटी को ढूंढने के लिए मैं धरती पे हर तरफ मैसेज भेज रही हूँ। ये अगर किसी को पता चल गया ना, तो जार मुझे खत्म कर देगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू मिनी, थैंक यू। अब तो बस मेरे बेटे मोटू का इंतजार है। अरे तुम्हारे पिताजी गुम हो गए थे, तो पुलिस कंप्लेन लिखवाना चाहिए। तुम तो पुलिस वाले को ही उठा के लेके जा रहे हो। चिंदम सर, हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए आपको लेके जा रहे हैं। दुश्मनों ने हम पे अटैक कर दिया है। वो देखो दुश्मन हम पे किसी बड़ी गुलेल से पत्थर फेंक रहे हैं। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, वो दुश्मनों के पत्थर नहीं यार, मीटियोराइट्स है। अगर एक भी हमारे स्पेसशिप से टकरा गया तो हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। तरीका है किसी को स्पेसशिप से बाहर जाके उस डैमेज वाली जगह के ऊपर के मेटल प्लेट वेल्डिंग करनी होगी। लेकिन ऐसा करते वक्त अगर सामने से मीटियोराइट्स आ गए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है यार। हाँ। मैं जाऊंगा। आज दुनिया का कोई भी खतरा मुझे अपने पिताजी से मिलने से नहीं रोक सकता। मोटू होशियारी से।
सीताराम, ये मामूनी मामूनी बंद करो। डॉक्टर झटका, स्पेसशिप को मोटू के और पास ले चलो प्लीज। पतलू मेरे पैर, सॉरी यार, मैं और नजदीक नहीं जा सकता, टक्कर लग के ब्लास्ट होने का खतरा है यार। हाँ डॉक्टर झटका, आप नजदीक नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना। जब मेरा दोस्त ही मेरे पास नहीं आए तो मैं इस स्पेसशिप में रह के क्या करूँगा। बचाओ मुझे। मुझे तो लगा था कि अब तो मैं गया काम से। तुम्हें इस तरह अगर छोड़ देते तो तुम्हारे पिताजी को हम क्या मुंह दिखाते। डॉक्टर झटका, फुल स्पीड, लेट्स गो। आसमान में ही हो रहा है, जमीन पे कौन रहता है? ओ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है यार। यहाँ का रूलर जार नाम का बेरहम खतरनाक एलियन है। जो लोग उसके खिलाफ थे उनको उसने नीचे जमीन पे फेंक दिया यार, और एक ऐसा लेजर नेट का फ्लोर जैसा बना दिया ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके यार। हाँ फिर हम ये स्पेसशिप कहाँ लैंड करेंगे? स्पेसशिप हवा में ही रहेगा यार, हम नीचे जाएंगे। मैं पूरी तैयारी से आया हूँ यार, चलो। वाह बड़े भैया, अपनी फ्लाइंग कार भी ले आए, अब आएगा मजा। Security, this is X001 here. Red alert, red alert. कोई अजनबी कार हमारे शहर में घुस आई है, उसमें 5 लोग बैठे हैं। See image on your monitors. Catch them, catch them. This is X75. वो कार मेरे सामने है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। वो जोन 5 से जोन 7 की तरफ जा रही है। जोन 7 अलर्ट, जोन 7 अलर्ट। Hello, I'm ready. This is X101. I'm ready. हेलो भाइयों, आ गए बाराती स्वागत करने। हाँ बाराती, अरे यहाँ किसकी शादी है, कहाँ है बाराती? अरे पीछे देखो मोटू, पीछे वो पुलिस वाला आ रहा है हमें पकड़ने। अरे पुलिस तो क्या, आज तो आर्मी भी हमें पकड़ नहीं सकती। बड़े भैया लाओ, मुझे ड्राइव करने दो। पतलू तुम आगे आओ।
जंगल से बच रही है पॉसिबल। ऐ मोटू, तुम कार चलाओ, मैं इसे देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, नेट का डोर खोलने में कामयाब हो गए ना, उस दिन हम फिर से वहाँ जाके अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। ओ मोटू मेरे भाई, अगर उस लेजर नेट को टच किया तो हम जल जाएंगे यार। हमारी मदद तुमने क्यों की? मैं तुम्हारे पिताजी को जानती हूँ और मैं ही तुम्हें बुलाने के लिए जगह जगह मैसेज भेजती थी। मुझे खुशी है कि तुम लोग आ गए। तुम मोटू हो ना? हाँ मैं मोटू हूँ। एकदम अपने पिताजी जैसे हो। ये मेरा दोस्त पतलू, ये डॉक्टर झटका, इंस्पेक्टर चिंगम और ये घसीटा राम। हेलो। ये बात तो समझ में आई कि आप मोटू को बुलाने के लिए बार बार मैसेज भेजती थी, लेकिन मोटू के सपनों में उसके पिताजी कैसे आते थे? उनमें ये शक्ति है कि वो किसी के भी सपने में जा सकते हैं, किसी की आंखों में देख के उसका माइंड रीड भी कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी शक्ति को छीनने के लिए जार ने उन्हें बंदी बना रखा है। ओ यार, लेकिन इतने सालों बाद उनको मोटू की याद कैसे आई? हाँ यार, तब तुम छोटे थे, बहुत छोटे। इतने साल तुम्हें जार से बचाने के लिए उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। अब उनकी उम्र बढ़ गई है और सहन शक्ति भी कम हो गई है, और तुम अब बड़े हो गए हो,
उन्हें विश्वास है कि तुम उन्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाओगे। मुझे जल्दी ले चलो, मुझे मेरे पिताजी के पास जल्दी ले चलो, मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इतनी जल्दबाजी मत करो, जार सिर्फ खतरनाक ही नहीं बहुत चालाक भी है, हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। अच्छा अभी तुम लोग भूखे होगे, कुछ खा लो, उसके बाद मैं अपने साथ तुम लोगों को वहाँ लेकर जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। करंट लगता है ताकि कोई भी इसे खोल ना सके। इसे खोलने के लिए एक कोड लगता है और वो सिर्फ जार को और लपटू को ही पता है। इतने सालों बाद मिले हो और मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। मिनी मेरा बेटा कैसा दिखता है? एकदम आप जैसा ही दिखता है। आप देखेंगे, मुझे आप जरूर देखेंगे पिताजी, जरूर देखेंगे, लेकिन पहले हम सरा इस जार को तो देख ले। मोहन सिन्हा, तुम सच कह रहे थे, तुम्हारा बेटा है। तुम भी झूठ नहीं बोलते है, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे। गौर काले कौवे से डरियो। लगता है तुम भी डरते हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। वेलकम मोटू, वेलकम टू एक्सआर प्लेनेट। थैंक यू मिनी, तुमने बड़ी होशियारी से काम किया। मोटू के पिताजी का विश्वास जीतना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो ये मदद सब तुम्हारी चाल थी हमें यहाँ फंसाने के लिए? ओह बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक पहचाना। आप मिस्टर मोहन सिन्हा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम तो जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अगर तुमने अपनी शक्ति का राज मुझे नहीं दिया तो मैं सच कह रहा हूँ, मोटू के दिमाग को ब्लैंक कर दिया जाएगा। फिर वो तुम्हें तो क्या, खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। वो इस समय तुम्हारे बगल में ही लटका है। स्टार्ट द मशीन। मेरे दोस्त को छोड़ दो। नहीं, तुम मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं करोगे। नहीं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। पिताजी, पिताजी, इनको कुछ मत बताना। सॉरी मोटू, जिंदगी भर मैं तुम्हें बचाता रहा और अब जब मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। सॉरी बेटा। बस बस इतना इमोशनल मत हो कि मैं भी रो पड़ू। मोहन सिन्हा, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या बताना चाहते हो, जार सुन रहे हैं। क्यों बॉस? आ, 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 आ,
मनी, अब तो फाइटिंग शुरू हो गया है। इसका तो मुझे 20 मिनट का भी तजुर्बा नहीं है। अब क्या करूं? ओए करना क्या है यार, भागो। वाले नू, ये ऑक्टोपस रोबोट तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं यार। चलो बाहर भागो यार, बाहर भागो। नहीं, हम पिताजी को छोड़ के नहीं भाग सकते। अरे जब खुद ही नहीं बचोगे तब पिताजी को क्या बचाओगे? अभी यहाँ से निकलो, हम फिर दोबारा पूरी तैयारी से आएंगे। पिताजी, मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। यहां से बच के नहीं जा सकते। नेम इज चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। क्या यहाँ अम्ब्रेला मिलेगा? बरसात होने वाली है। बरसात होने वाली है। अरे ये कैसे किया? अब इसे ऊपर करके सिर्फ एक फायर करो। इस गार्बेज डक्ट में कूद जाओ, तुम सीधे गार्बेज ट्रक में निकलोगे। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, जल्दी। मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? पहले मिनी ने हमारी मदद की और हमें यहाँ फंसा दिया। बोलो बोलो, अब तुम हमें कहाँ फंसाना चाहते हो? बोलो। मैं जिंदगी भर इस जार की चमचागिरी करता रहा हूँ। वो मेरे माइंड को ब्लैंक माइंड कहता है। उसे मेरी कोई कदर नहीं। आज उसे दिखाऊंगा ये ब्लैंक माइंड क्या कर सकता है। अंदर लैब में देखा नहीं किस स्टाइल से मैंने तुम्हें फ्री किया? ये सच कह रहा है, मुझे भी लगा कि इसने लीवर जानबूझ के दबाया है। चलो आओ मेरे साथ। चलो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। Oh!
हाँ रेडी। कमाल के आदमी हो यार। सार से तो एक बार बचना मुश्किल है, तुम लोग तो दो बार बचे हो। अब या तो तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो या फिर बहुत बहादुर। हम दोनों ही हैं, लेकिन तुम कौन हो? दोस्तों, मेरा नाम जुम्बा है और ये जुमी, ये सब हमारे साथी हैं। एक जमाना था हम भी ऊपर एक्सर सिटी में टावर्स में रहते थे। जार के जुल्म के खिलाफ आवाज क्या उठा दी तो उसने हमें भी यहाँ नीचे लोअर्स में फेंक दिया। अब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं। वो लेजर नेट को काट के ऊपर चले जाओ यार। वैसे ये सब बहुत टेस्टी है, घर में बनाया है या होटल का है यार? हा? अभी अभी तो गार्बेज से निकाल के दिया है, एकदम फ्रेश है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। लेजर नेट को काट के ऊपर जा सके। ओ जुम्बा मेरे भाई, मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, मैं जल्दी ही कुछ ऐसा बना के दूंगा। डोंट वरी यार, डोंट वरी। मुझे भी ऐसा कुछ बनाने का 20 साल का तजुर्बा है। इस
गार्बेज, ऐसा कुछ तो नहीं। डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। आप खा के देखिए। आप भी। नहीं रोक सकती यार, अब सब कार में लेजर कटर है, हम लेजर नेट को कट करके ऊपर जा सकते हैं यार। जय हो, चलो चलते हैं। नेट काट के लोअर के लोग शायद ऊपर आए हैं। पैलेस में सिक्योरिटी बढ़ा दो, वो मोटू पतलू ही होंगे। मोहन सिन्हा को छुड़ाने आ रहे हैं, इस बार वो बच के जाने न पाए। ऑक्टोपस रोबोट्स को रेडी रखो। ओके सर। सब रुक जाओ, मैं चेक करता हूँ कि वो लैब कहाँ है जहाँ मोटू के पिताजी हैं। हाँ, मिल गया। ये रहा वो रिसर्च लैब जहाँ मोटू के पिताजी हैं। लेट्स गो। जाओ।
रिसर्च, रीच रिसर्च लैब इमीडिएटली। रिसर्च लैब में जल्दी पहुंचो। सिक्योरिटी ब्रीच इन पैलेस। जाओ जाओ, उधर गार्ड्स भेजो, फौरन ऑक्टोपस रोबोट्स रिलीज करो। यस सर। नहीं जा सकते मोटू। चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से।
अगर ऑक्टोपस रोबोट्स आ गए तो बचना मुश्किल है। इससे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वरना जितने पीसेस में टूटेंगे उतने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे डबल। पिताजी को लेकर कोई सेफ जगह जाओ, हम आते हैं। अरे ये नाश्ते का समय नहीं है पतलू, फाइट फाइट। अरे देखो तो नाश्ता क्या है, फुरफुरी नगर से ऐसे ही इमरजेंसी के लिए लाया था। खुशबू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। Yeah! Oh! Got it! Oh!
समोसे हैं? नहीं, सब खत्म हो गए। कोई बात नहीं, जार के लिए मैं ही काफी हूँ। नहीं बेटा, मैं एक मिशन पे निकला था, सब एलियंस को धरतीवासियों का दोस्त बनाने का मिशन। मैं फिर उसी मिशन पे जाके अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। मोटू पतलू, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों जैसे बचपन में पक्के दोस्त थे, वैसे ही आज भी हो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और तुम्हारे पास डॉक्टर झटका, चिंगम और घसीटा राम जैसे दोस्त हमेशा रहे।
और मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। पिताजी। मोटू, पतलू। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। मैं अपना मिशन पूरा करके ही वापस आऊंगा। चलता हूं। अपना ख्याल रखना पिताजी। तुम भी। अरे जुम्बा, तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू, थैंक यू। अब ये एक्सर प्लेनेट तुम संभालो और हम अब अपने घर जाते हैं। मैं अब जुम्बा के साथ मिलके काम करूंगा। थैंक्स लपाटू, थैंक्स। तुम्हारी मदद के बिना मैं अपने पिताजी को नहीं छुड़ा सकता था। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। चलते हैं बड़े भैया। मोटू के पिताजी को तो बचा लिया। अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ।